मोदी का काला झंडा, पर एट में काला कपड़ा नहीं पहन के आने दिया करते, हम इनका काला पहन के आवांगे। मोदी ने काले छोटे बच्चे भूखे मरे, हम फसल गेर कर बाणिया के बारे खड़े रहे वहाँ दो दो तीन तीन दिन, वे महाराज जब हिसाब करेंगे जब हम रोक कर चले। इस देश को इस तरह से गुमराह कर दिया गया है, कभी ये ही नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, संसद बड़ी है, संविधान बड़ा है। सरकार परेशान है एक तारीख से किसानों के, आगे बात करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं सिर्फ घर के काम काज तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, और लगातार इसका किसान आंदोलन में जो महिलाएं हैं उनकी सक्रिय भूमिका दिखाई दे रही है, क्योंकि महिला एक वही शक्ति है जो एक पुरुष को पैदा करती है। जब एक महिला पुरुष को पैदा कर सकती है तो इस तरह के आंदोलन में वो अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकती है। तो हम इसी कड़ी में इन महिलाओं से जानना चाहेंगे। पहले माता जी ये जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दयावंती। कहाँ से आए हैं? नंदगढ़ से, जिन डिस्ट्रिक्ट से। माता जी, जिस तरह से हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको? हम इस तरह बहुत परेशानी से देख रहे हैं। हाँ जी, क्या क्या परेशानी आ रही है? सारी परेशानी आ रही है, तीनों कानून उल्टे ले ले तो हमारी परेशानी हट जाएंगी। खाद पानी बिना, बच्चे हमारे, आदमी हमारे यहाँ बैठे, तो हम उड़े क्या करेंगे? क्यों जाओ, मोदी ने कहा 15 लाख खत्म देंगे, तो हम 15 लाख बैठे खाओ, वहाँ कहाँ हुआ 15 लाख? पेंशन थी लुगाइया की, जो थोड़े घने खाते हम अपनी लुगाई दाब रही थी, वो भी उसने कटवा दी है, लुगाई से अलाचार बनवा दी उसने। है जिस दिन बनन लग गया था, हाँ। उस दिन हमारे खुशन लग गया था, बुढ़ा बुढ़ी थोड़ा घना दोहरा ले रहे थे, वो नोटबंदी में खुसवा दिया, सारे कानून अपने चला रहा, मारा एक भी न्याण दिंदा, जन्नसा मारी, अभी इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रही। है? लेकिन माता जी, अभी हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और लगातार सरकार ने भी कहा कि जो महिलाएं हैं, बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, वो घर चले जाए। नहीं जाएंगे, अपने किसान भाइयों के साथ रहेंगे। अभी 26 जनवरी की परेड होनी है, झंडा हम यहाँ पर आएंगे, मोदी ने काला झंडा दिखावांगे, हम अपने किसानों का झंडा फहरावांगे, मोदी का काला झंडा, मोदी का काला झंडा, पर एट में काला कपड़ा नहीं पहन के आने दिया करते, हम इनका काला पहन के आवांगे, मोदी ने काला दिखावांगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे किसान भाई, वो लगातार दिल्ली पुलिस से अनुमति मांग रहे हैं कि भाई 26 जनवरी की जो परेड है उसमें शामिल होने दिया जाए। हंगा करेंगे, मजबूर होवांगे, वो तो करेंगे कि मैं ना राजी खुशी तो जान नहीं दे, हम तो बहुत उसे हाँ देखे नहीं थे, तो खेलनी मेलनी दे देखिए, 8 फुट खसरा नहीं देखा था इसने तो मोटी। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है और माता जी उनका जोश है, उन्होंने ना तो किसी तरह का स्वेटर डाला हुआ है, और जो लोग कह रहे हैं कि महिलाएं घर चली जाए, तो आप लगातार देख पा रहे हैं कि महिलाएं लगातार इस आंदोलन में डटी हुई हैं, और भी महिलाएं, उनसे भी जानना चाहेंगे माता जी, जो आंदोलन आज यहाँ पर किसान भी है, युवा भी है, बच्चे भी और महिलाएं भी, किस तरह से देख रहे हैं इसको? बोले मेरा अपना बोले, बुरी तरह से देख रहे हैं, बच्चे भी हमारे साथ से, छोटे बच्चे भी हमारे साथ से, उदन के साथ हमारे साथ है, हम यहाँ रहेंगे, हम कहीं नहीं जावांगे, हम अपने आदमी छोड़ कर कहीं नहीं जावांगे, हम साथ में रहेंगे, झांसी की रानी बनकर दिखावांगे। तो बिल्कुल देखिए, आज भी महिलाएं झांसी की रानी बनने के लिए तैयार है, और इस आंदोलन में छोटे छोटे बच्चे भी आए, उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटा नाम क्या है? किस्मत। कहाँ से आए हैं? नंदगढ़ जिला जींद और ब्लॉक जुलाना। क्यों आए हैं यहाँ पर? 26 जनवरी झंडा फहराएंगे और हम यहाँ पे साथ रहेंगे। 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे और हम साथ रहेंगे, कुछ युवा बिटिया भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटे आप कहाँ से आए और क्यों आए हैं? अब अलका जुलाना से आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पर? किसानों का साथ देने। किसानों का साथ देने, तो ऐसी आज क्या जरूरत पड़ गई है कि आज आप जो एक शिक्षा लेनी चाहिए थी उस समय आपको पढ़ना चाहिए था, आप रोडों पर हो? कोरोना में स्कूल तो बंद ही है, यहाँ पे आके कम से कम किसी का सपोर्ट तो करें। बिल्कुल, कोरोना में अभी स्कूल बंद ही चल रहे हैं, और इसीलिए बिटिया है उसने कहा है कि जो सरकार ने हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कोरोना को मरे आई पे को बंद रहा, बोला जब सारे जी हुए हैं वो सारी सरकार में मरे है, कते सारे से दो महीने हो गया, इतने भीड़ लग रहा, देखो इब जा कोई भी मरे हो तो कोरोना में, ये सब झूठ बोल रहा है, बाजी कर रहा, तमाशा कर रहा, मारे भैया गए, हाँ तुम्हारा खड़का, ये मोदी ने हमारा देश पाछा रखना था, जो हमारे बच्चे हैं वे भी घर बैठे हैं, हमारा ईब कोरोना को लग दी, एक बार मोदी आ जाए दिखा, उसका भी ला के दिखावाएंगे, हमारा है तो उसका भी लगनी चाहिए।
हमारे जो बड़े छोटे वर्ण पड़े हैं हम गेल पढ़ांगे और गेल खून बुआवांगे, हम साथ जाएंगे और गेल मरांगे। 26 तारीख ने मोदी आ जा महाराज हिसाब कर जा, हम अपना घर चले जावांगे। आपको समय दिया कि भाई नहीं, ये झूठी सरकार है। हमारे बालक तो और बड़े जाडा कमा पड़े हैं, हम इसने छोड़ कर नहीं जाएंगे, गेल लेकर जाएंगे। हम अपना कानून मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो हमारे बैठ कर मर जाएं। इस कानून से वैसे समस्या क्या है? सरकार तो कह रही कि भाई ये जो किसान है उनके हित में, फिर आपको ऐसी क्या? हमने तो सभी समस्या है, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मरे, हम फसल गेर कर बाणिया के बारे में खड़े रहे वहाँ दो दो तीन तीन दिन। वे महाराज जब हिसाब करेंगे, जब हम रो कर चले जाएंगे, कुछ दे तो चले जाना, हम अपने हाथ जोड़ कर चले जावा, अपनी फसल हम आप बेच सका। आप देख सकते कि लगातार महिलाएं इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पर युवा साथी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे। साडे बच्चे दिहाड़ी करनगे, मंग के खानगे, असि मंगण वाली कौम आ, असि ओ किसान आ, दुनिया दे अन्नदाता, असि देश दा ढिड भरदे आ, असि किवें बर्दाश्त करांगे इस गल नूं, असि मर जांगे। वी सानू दसो बार बार दी कढ लो जी, क्यों बार बार दी? साडा दिल्ली चाचा नहीं, दिल्ली साड़ी है, तेरी मां दी दिल्ली है जी। बिल्कुल बाबूजी का जोश है, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार जो आंदोलन बहुत सारे, लगातार हम नारे सुनते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह का जोश युवाओं में भरा जाता है नारे के माध्यम से। तो जो अभी 26 जनवरी की तैयारी, किस तरह की है तैयारी? हमारा साथ दो, हम तुम्हें रोटी देंगे। मैडम जी अभी सुनो, दिल जीते हैं, दिल्ली जीती है, अभी जंग जीतनी बाकी है। दिल जीते हैं लोगों के, दिल्ली का दिल जीता है, दिल्ली जीती है, पहले भी जीती है, आज भी दिल्ली जीत ली है, इसलिए हमारा रास्ता खुल रहा है। दिल्ली अगर जीती है तो रास्ता मिल रहा है, अभी जंग जीतनी बाकी है। 26 जनवरी की जो परेड है, एक कदम जीत की ओर है। अभी हमने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने किसानों के बीच में घुसकर मतलब एक आतंकवादी माहौल पैदा करने का प्रयास किया, तो उस पर क्या कहना है? मैडम जी जब 2016 में भी डाटा आरक्षण में हरियाणा में ऐसा हुआ था, आंदोलन को भड़काया गया था, वो संधू बॉर्डर पर लड़का पकड़ा, उसने माना, पुलिस प्रशासन ने अपनी बेइज्जती करान बचाने के लिए उससे गलत बयान दिलाए हैं। वहीं शरारती तत्व आंदोलन में घुस गए हैं, काफ़ी महिलाएं संख्या में हैं, युवा साथी हैं, किसान साथी बन के आ रहे हैं, हम उनसे सचेत हैं, हर रोज़ एक दो लड़का पकड़ रहे हैं। हमें शांति प्रिय से 26 जनवरी की परेड करनी है, लोगों में संदेश गया 26 26 26, उसके बाद भी आंदोलन चलता रहेगा, शांति प्रिय से आंदोलन चलना है। जहाँ से ट्रैक्टर जाएगा, ट्रैक्टर वापसी वहीं आएगा, और तारीख पे तारीख इन्होंने बहुत दी है, किसान परेशान नहीं हुआ। किसानों ने एक तारीख दी थी 26 जनवरी, पूरी सरकार परेशान है, पूरी सरकार परेशान है एक तारीख से किसानों के। आगे बात करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, जीतेंगे। यहाँ भी आप देखो बैरिकेड खोल दिए हैं, कोई रोकेगा ट्रैक्टर तोड़ के आएगा। हमारे गुरनाम सिंह चुंडनी प्रधान जी ने बोला था अगर रास्ता रोकेंगे तोड़ेंगे, पहले भी हमने तोड़े हैं। पंजाब बॉर्डर पर रोका, हम दमतान साहिब से गढ़ी सिंह दत्तौड़ा खनौरी बॉर्डर है, उग्रह साहब का काफिला आया था, हमने वहाँ भी बैरिकेड तोड़े हैं, यहाँ भी खोल दिया, तोड़ेंगे रास्ते में भी तोड़ेंगे। ऐसा होगा आंदोलन, आने वाली नस्लें फसलें याद रखेंगी, इतिहास लिखा जाएगा। पहली बार मोदी से देखने में किसान परेड होगी, जो उसको देखेंगे लोग, ऐसा इतिहास लिखा जाएगा जो सदियों सदियों में सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। पहले आंदोलन था भगत सिंह के चाचा ने, चौधरी अजीत सिंह ने आंदोलन किया, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, एक सदी चलेगी, ये उस सदी अगली सदी का अब ये शुरुआत है, जन आंदोलन बन चुका है, इसको हम जीत के जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। 200 के करीब हमारे किसान भाई शहीद हो गए हैं, मर चुके हैं, यहाँ शहीद हो गए हैं। क्या किसी ने ट्वीट किया? अगर एक नाचने वाला मरता है, 3 महीने मीडिया हल्ला हुला करती है, किसी का कोई बयान ही नहीं आया। ये सोशल मीडिया का धन्यवाद करते हैं, यूट्यूब पे आप चलाते हो, आपका धन्यवाद है। दो दिन का टाइम बाकी है, इंटरनेशनल टीवी को बंद कर दो, अखबार को बंद कर दो, सोशल मीडिया से देखो, शांति से परेड निकालनी है, सभी को इग्नोर करो, अब हल्लड़बुल कुछ नहीं करना, प्यार से जाना, प्यार से आना है, इसी में हमारी जीत है, जीत के जाएंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को पूरे 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया है, और पहले जब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें कि मतलब 2 महीने के लिए होल्ड पे रखा था इन कानूनों को, और उन्होंने 4 लोगों की कमेटी बनाई थी जिसमें कि भूपेंद्र मान सिंह है, उन्होंने मतलब इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी दोबारा एक कमेटी और बन रही, तो क्या लगता है कि वो कमेटी किसानों के हित में काम कर पाएगी? मैडम जी इस देश को इस तरह से गुमराह कर दिया गया है, कभी यही नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, संसद बड़ी है, संविधान बड़ा है क्या? ऐसा गेम प्लान चला दिया है मीडिया ने, सुप्रीम कोर्ट
होल्ड कर रही है तो सरकार क्या कर रही है, सरकार उसके बाद फिर होल्ड कर रही है इस कानून को। खामी है तो कर रही है, बदलाव तो पहले दिन से शुरू कर रहा है, 2 महीने से पंजाब में बैठे थे, उसके बाद हरियाणा में हुआ है, अभी पूरा देश में फैला है, सरकार मान चुकी है। ये नहीं पता इन लोग जो ये मीडिया वाले हैं, संसद कभी दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कभी कहते हैं सरकार नहीं मान रही। जो कमेटी की बात कर रहे हो, जो 4 साथी थे उन्होंने एक रिजाइन कर गया, 3 बाकी है, तीनों का तीनों ने ये बोला है ये कानून सही है, ये कानून सरकार लेके आए, लिख के दिया है, सभी जो उनकी कॉपियाँ हैं वो मीडिया में अंदर है, आपके पास भी है, सभी ने लिख के दिया है कि ये कानून सही है। तो हमारा क्या फैसला करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या संसद बदल देती है, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? नाम सुप्रीम रख दिया, सुप्रीम रखने से नहीं होता। कांग्रेस इस कानून को लेके आ रही थी लेकिन लाई नहीं, उन्हें पता कि जन आंदोलन फैलेगा, उनका पता नहीं क्या कारण थे वो लेके नहीं आई, उन्हें पेश नहीं किया। लेकिन जब इन्होंने उन्हें घोषणा पत्र में डाला था इन्होंने विरोध किया था। आज इनके ऊपर सरकार चला रहा है मुकेश अंबानी और अडानी, इनका इतिहास देखो, पहले पहले प्लांट बन रहे हैं पूरा हरियाणा के अंदर, अब जाके पंजाब के अंदर बन रहे हैं, कब्जा है पूरा, कहाँ मोदी है ही नहीं, सरकार तो ये चला रही है, उद्योगपति सरकार कहाँ चल रही है? ये इनका दबाव है, इन्होंने पैसे लगाए हैं पूरे देश के अंदर, इलेक्शन के अंदर पैसे यही लगाते हैं, सरकार दबाव में है। सुषमा स्वराज कोई इग्नोर कर दिया गया, लाल कृष्ण अडवाणी कहाँ है, मार्गदर्शन मंडल से बाहर निकाल दिया गया, कहाँ अरुण जेटली, अब वो भगवान को प्यारे हो गए, उनको इग्नोर कर दिया गया था, खुटलाइन लगा दिया। कि जो युवा खासकर घर घर जाकर ये कहते हैं हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन आज वही युवा विरोध में है, तो इसका क्या कारण है? ये मैं बोला पहले जन आंदोलन बन गया, 2014 में था ये जिसने आपने बात की है, अब ये जन आंदोलन बन गया, वही युवा बाहर निकल गए घरों से, जय किसान जय किसान जय जवान जय किसान, एक कहता है जय किसान अगला कहता है जय जवान, ये आंदोलन बन गया। पहली बार इतिहास में सड़कें रोके, जो रास्ता रोके है वो सरकारों ने रोकी है, किसानों ने कहीं हम यहाँ भी नहीं रुके, अगर यहाँ से ये रोकते नहीं हम आगे जाते, हम नहीं रोके, इन्होंने रोका। पहली बार इतिहास में किसान का बेटा अपने बाप के सामने खड़ा कर दिया, किसान और जवान पहली बार आमने सामने हो रहा है, हमारे भाई बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, हमारे भाइयों को यहाँ सामने कर दिया, भाई से भाई के लड़ाने की ताकत है, इनकी राजनीति यही है भाई को भाई के सामने लड़ाने की, हम उसमें कामयाब नहीं होने देंगे। जब हम चलेंगे दिल्ली, साथ में हमारे आर्मी चलेगी, साथ में चलेगी किसानों की आर्मी, क्या वो अपने पिता पे गोली चला सकता है? 99% किसान के बेटे आर्मी के अंदर है, बेल्ट की नौकरी करते हैं, किस नेता का बेटा दिखाओ मेरे को बॉर्डर पे है, किसान का बेटा मरता है, यहाँ किसान मर रहा है, खेत में किसान मर रहा है, मर तो हम रहे हैं, अब जीत के जाना है। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे युवाओं को और इस देश की सरकार को? युवाओं को संदेश ये देना चाहता है भाई, शांति प्रिय रहना है सभी साथियों ने, प्यार प्रेम से जाना है, वापसी आना है, आंदोलन 26 के बाद चलेगा, माइंड से निकालो 26 जनवरी को परेड होगी, ऐतिहासिक परेड होगी, लेकिन आंदोलन 26 के बाद भी चलेगा। ये आंदोलन का बीड़ा युवाओं ने उठा लिया, अब हमारे बुजुर्ग जो जथेबंदी आगे बैठे हैं बुजुर्ग, हम उनके सामने नहीं आते, हाँ अगर गोलियां चलेगी तो बुजुर्गों से आगे हम जाएंगे, पूरे जाम आगे, हाँ ऐसे नहीं पीछे हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो आपने सुना कि आज भी इस देश में भगत सिंह पैदा है, जिस तरह से भगत सिंह इस देश के लिए फांसी के फंदे को चूम गए, आज उसी तरह से इस देश का युवा भी अपने बुजुर्गों के आगे सीने पर गोलियां खाने के लिए तैयार है और वो शहादत देने के लिए भी तैयार है, लेकिन लगातार उसकी एक ही शर्त है कि जब तक सरकार इन तीनों कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं करती है, हम सड़कों पर डटे रहेंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।